ये है पश्चिम चंपारण का राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमवा मझार मझौलिया। यहाँ के प्रधानाध्यापक ने 2019 में डाइट कुमार बाग पश्चिम चंपारण में आयोजित नेतृत्व क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण लेकर अपने विद्यालय में काफी सुधार करने का प्रयास किया है। इस विद्यालय में 1009 बच्चों का नामांकन है और 15 शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय में वर्तमान में कुल 10 उपयोग लायक कमरे हैं, जिसमें से 7 का उपयोग वर्ग कक्ष के रूप में किया जाता है, 1 कमरा कार्यालय के रूप में, 1 कमरा कंप्यूटर कक्ष के रूप में तथा 1 कमरा पुस्तकालय सह कॉमन रूम के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्यालय में बच्चों की नामांकन संख्या अधिक होने के कारण विद्यालय का संचालन 2 सत्रों में किया जाता है। विद्यालय में हर रोज चेतना सत्र होता है, जिसमें सुचारू रूप से संविधान की प्रस्तावना बाल मन, जिसमें बच्चे आज की खबरें पढ़कर सुनाते हैं और साथ ही साथ आज का विचार बताते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर का आयोजन होता है तथा कविता प्रेरक प्रसंग का भी सुचारू रूप से आयोजन किया जाता है। चेतना सत्र दिनवार अलग अलग एक्टिविटी करवाने का प्रावधान है। विद्यालय में स्थान के अभाव में गमले में बागवानी एवं किचन गार्डन विकसित किया गया है। ये कार्य एक सूत्र वाक्य बच्चों का गमला शिक्षक का फूल, गांव की मिट्टी और बदला है स्कूल द्वारा ये नवाचार किया गया है, जिसके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। विद्यालय की दीवार का स्तरीय नहीं हो पाने के कारण बाला पेंटिंग्स को फ्लेक्सों के माध्यम से पलाई पर प्रदर्शित किया गया है, जो आकर्षक एवं टिकाऊ भी है। विद्यालय का रंग रोगन कर आकर्षक बनाया गया है। बच्चों के लिए शौचालय, पेयजल जैसे आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित कर ठहराव को सुनिश्चित किया गया है। विद्यालय में पाठ सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियां सुनिश्चित कर बच्चों का रुख विद्यालय के प्रति मोड़ा गया है। कंप्यूटर एवं डिजिटल शिक्षा को प्रारंभ कर बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया गया है। विद्यालय में नियमित रूप से कक्षा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को TLM के द्वारा पढ़ाया जाता है। ये विद्यालय कमजोर बच्चों को रिमीडियल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करता है, जिसमें कमजोर बच्चों की पहचान करके कुछ इंटेलेक्चुअल बच्चों का समूह बनाकर उन कमजोर बच्चों को सिखाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, जो कि पीयर लर्निंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि विद्यालय में एक कॉमन रूम है, जिसका उपयोग बच्चे पढ़ने एवं खेलने के लिए करते हैं। इस विद्यालय में बच्चों को आर्ट एवं क्राफ्ट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खूबसूरत चीजें बनवाकर उनका कौशल विकास किया जाता है। आर्ट एवं क्राफ्ट द्वारा तरह तरह की चीजें बनाकर सीखने में बच्चे रुचि लेते हैं। इस विद्यालय में बच्चों का नामांकन होना ये दर्शाता है कि ये विद्यालय वहाँ के लोगों में लोकप्रिय है तथा ये विद्यालय अपने नवाचारों बच्चों और उनके परिवार के लोगों के बीच एक जगह बना चुका है।